हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989, जो कि मेंशन किया गया है सिलेबस के पार्ट फर्स्ट में, फर्स्ट कंपोनेंट में, जैन के जनरल नॉलेज। और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और 17 जो गोल्स हैं इनके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप विदिन अ मिनट उन सभी गोल्स को याद कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे बने तो आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से 8 जुलाई 1989 में लाया गया था, और एक्ट प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत्स। हल्का पंचायत्स को एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को के बारे में इसी एक्ट में मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स और इसको भी इसी एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो फ्रेंड्स, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, ब्लॉक इज़ एन एरिया कंप्राइजिंग ऑफ कंटीजियस मेंबर ऑफ हल्काज, जिसमें कि बहुत सारे पंचायत हल्काज जिसके अंडर आते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मींस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अंडर सेक्शन 27, इसी एक्ट के सेक्शन 27 में मेंशन किया गया है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और इसी एक्ट के तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ को मेंशन किया गया है, जैसे कि इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्टोरल रोल्स, हल्का मजलिस, हल्का पंचायत, नायब सरपंच, पंचायत एडवाइजरी कमेटी, पंचायती अदालत, रूल्स, शेड्यूल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि हल्का पंचायत जो होगी वो एवरी हल्का शैल हैव एन हल्का पंचायत, उसका जो हेड होगा वो वहाँ का सरपंच होगा, और एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पंच नॉट लेस देन 7, कम से कम 7 पंचेस जो होंगे वो असिस्ट करेंगे सरपंच को उस हल्का में। इसमें रिजर्वेशन की भी बात की गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की और वुमेन्स की। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स भी इसमें डिफाइन किया गया है, यानी कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो या इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, या अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और बहुत सारी इसे डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड मेंशन किए गए हैं। इसमें नंबर 7 है रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, 8 है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन हल्का पंचायत, और 9th है पंचायत एडवाइजरी कमेटी, 10th है सप्रेशन ऑफ हल्का पंचायत, रिन्यूमरेशन यानी कि उनको जो मंथली सैलरी मिलती है वो भी इसमें मेंशन है, और रेजिग्नेशन कैसे, क्या शेड्यूल है, क्या प्रोसीजर है रेजिग्नेशन के लिए, वो भी इसी में मेंशन किया गया है। अब फंक्शंस की जहाँ तक बात की जाए तो वो चैप्टर 3 में आते हैं इसी एक्ट के अंडर। क्या क्या पावर्स प्रोवाइड किए गए इस एक्ट के थ्रू, जैसे कि टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हल्का, टू अंडरटेक मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग्स, अदर प्रॉब्लम से डील करना, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, शीप, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेज, रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। रेगुलेशन ऑफ फेयर्स के पावर्स भी दिए गए हैं, जो मेले वेले लगाए जाते हैं उनके लिए पावर्स दिए गए हैं। पावर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट पावर्स दिए गए हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंडर, और हाउसिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड एरियाज स्कीम्स में को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पावर्स दिए गए हैं सरपंच को, यानी कि हल्का पंचायत को। शैल बी इन्वॉल्वड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की जो स्कीम्स हैं उनमें रोल प्ले करना है हल्का पंचायत को उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके साथ साथ शैल परफॉर्म ड्यूटीज एज असाइनड टू इट बाय द गवर्नमेंट, और इसके अलावा भी पावर्स असाइन किए जा सकते हैं, इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है पंचायत को। सो फ्रेंड्स, ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब चैप्टर 4 जो कि प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, जो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो विलेज पंचायत जिसको जिसकी
लुक आफ्टर करना पंचायत की जिम्मेवारी होगी और हल्का पंचायत फंड एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, चैप्टर फिफ्थ जो है वो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की जाएगी, कैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, वो इस चैप्टर फिफ्थ में मेंशन किया गया है अंडर दिस एक्ट। फ्रेंड्स, चैप्टर सिक्स जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को डिफाइन करता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पावर्स वगैरह। सो फ्रेंड्स, चैप्टर सेवन जो है इस एक्ट का वो डील करता है विद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। चैप्टर एट जो है वो है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और चैप्टर नाइन जो है वो प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो चैप्टर सेवन एट नाइन है ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए मेंशन किए गए हैं। चैप्टर टेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शंस, और इसी में मेंशन किए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कौन अथॉरिटी इसके लिए कंडक्ट करेगी एट्सेट्रा। इसमें इलेक्टोरल रोल भी मेंशन किए गए हैं जो कि अथॉरिटी, इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी। डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, यानी कि अगर परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा कैंडिडेट तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, या 18 उसकी एज नहीं होगी तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इलेक्शंस ऑफ सरपंच, इसी में हल्का पंचायत के बारे में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 40 में इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसमें मेंशन किया गया है, और उसकी इलेक्शंस कैसे हेल्ड किए जाएं वो सेक्शन 41 में मेंशन किया गया है। और 42 जो है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, कैसे नॉमिनेशन की जाएगी और इसी के बारे में। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मेंशन किया गया है सेक्शन 43 में, और डिस्प्यूट्स सेक्शन 44 में। और लास्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 11 है जिसमें मिसेलेनियस पावर्स मेंशन किए गए हैं, और कौन कौन से मिसेलेनियस पावर्स हैं, जैसे कि क्रिमिनल एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पंचायत, और प्रोसीजर रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द इलेक्शंस टू पंचायत हल्काज, और इसी में पेनल्टीज जो इम्पोज कर सकती है पंचायत वो भी मेंशन है, वो मिसेलेनियस पावर्स के अंडर आते हैं। और अगर इस एक्ट के अंडर कोई रूल कोई फॉलो नहीं करता है तो उसकी जो है पनिशमेंट वो इसी में मेंशन की गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल रिगार्डिंग पंचायत राज एक्ट 1989 जो कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने लाया था। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फ्रेंड्स, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ये हैं 17 गोल्स जो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने एक ब्लूप्रिंट की तरह बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए असाइन किए थे अपनी मेंबर नेशंस को, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अनाउंस किए गए थे, पार्ट हैं रेजोल्यूशन 70 के अंडर 2020 एजेंडा, यानी कि यूएन का जो एजेंडा 2030 एजेंडा जो है उसके अंडर क्या क्या नेशंस को अचीव करने हैं, ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं वहाँ पे रेजोल्यूशन 70 के अंडर। सो फ्रेंड्स, कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? फर्स्ट जो है पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव करना है वो है नो पॉवर्टी। सेकंड जो है वो है ज़ीरो हंगर, यानी कि इसके मेंबर नेशंस को ये इंश्योर करना है 2020 तक से पहले कि उनकी नेशन में ज़ीरो हंगर हो, नो पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि उनके सिटीजन्स हेल्दी हों, उनके लिए वेलफेयर, उनकी हेल्थ के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठाए जाए, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर की जाए बाय मेंबर नेशंस यानी कि कोई भी ड्रॉप आउट ना रहे स्कूल से। फिफ्थ जो है वो है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि वहाँ पे इक्वालिटी हर नेशन प्रोवाइड करे अपने जेंडर्स को। सिक्स्थ जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन्थ जो है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ जो है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ जो है वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th जो है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th जो है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। 13 है क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड।
16 जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17th जो है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो फ्रेंड्स, इनको रिमेम्बर करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक, शानदार ट्रिक बताऊंगा जो कि यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, ये है चार्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को के चार्ट्स, उनमें लॉगो भी दिखाए गए हैं जैसे कि पॉवर्टी के लिए, और इन सब गोल्स के लिए यहाँ पे इस चार्ट में मेंशन किए गए हैं नंबर वाइज। इनको अब रिमेंबर कैसे करें? सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इनको रिमेंबर करें। उसके लिए एक शानदार ट्रिक जो है उसको अब स्टडी करते हैं। और क्या है फ्रेंड्स वो ट्रिक? वो ये है PC raised to power 4, HIL raised to power 2, यानी कि PC 4 times, HIL 2 times और GEJ। P क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? जो 4 P हैं और 4 C हैं, 4 P जो हैं वो है पॉवर्टी, प्रोटेक्ट प्लैनेट, पार्टनरशिप, पीस एंड जस्टिस। फ्रेंड्स, तो हो गए यहाँ से आपके 4 जो गोल्स हैं वो याद हो जाएंगे पी 4 टाइम्स से। C जो है 4 टाइम्स, वो क्या है? एक तो है क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, सस्टेनेबल सिटीज और कंजम्पशन को रिड्यूस करना। ये हैं 4 C's जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब है HIL, दो बार H है दो बार I है दो बार L है। सो फ्रेंड्स, H जो है वो है जीरो, नो हंगर गुड हेल्थ, हो गए 2 H। I जो है फ्रेंड्स वो है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन क्रिएट करना। L जो है वो है फ्रेंड्स 2 बार, वो है लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो ओशन। एक तो लैंड पर लाइफ को प्रिजर्व करना और बिलो वाटर जो है ओशंस में जो है लाइफ को कंजर्व करना। सो फ्रेंड्स, लास्ट कीवर्ड जो है वो है GEJ, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। ई रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी एजुकेशन को, जे रिप्रेजेंट करता है जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, इस सिंपल कीवर्ड से जो कि है PC 4 टाइम्स, PC raised power 4, HIL raised power 2, यानी कि 2 times H, 2 times I, 2 times L और GEJ। इस सिंपल कीवर्ड से अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे एक दो बार फ्रेंड्स, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, तो ये कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। फ्रेंड्स, आई होप आप इससे कोई भी क्वेश्चन अब इनकरेक्ट नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हम फर्दर इसमें लेक्चर जो हैं वो अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।